उस वक्त इमाम हुसैन ने बोले 72 सैनिक इमाम हुसैन थे, ज्यादा नहीं थे, क्योंकि उनको ईमानदार सैनिक चाहिए, सच्चे सैनिक, जिनके पास सिर्फ पुण्य हो, जो इस दुनिया और दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत ना करे, ईश्वर और अल्लाह से मोहब्बत करे। और यजीद ने हजारों ऑटो जमा किए, उनमें पानी बंद किया, खाना बंद किया, और इमाम हुसैन ने बहुत समझाया। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि इमाम हुसैन ने कहा कि मेरी ये जंग तेरे साथ मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है, ताकि दुनिया में सारे इंसान सुखी रहे, शांति से रहे। और जो महाबलिदान दिया उनके 6 महीने का लिए 18 महीने का लिए 34 साल का भाई अब्बास और छोटे छोटे भांजे उन मोहम्मद, 14 साल का भतीजा कासिम, सुबह सूर्य निकलने से लेकर ये टाइम तक हम थोड़ी सी गर्मी पड़ गई तो सबके चेहरे झुलस गए, सब जल्दी चाहते हैं कि मेरा उन्होंने खत्म हो, घर पर जाए, पानी पिए। लेकिन वो 3 दिन के भूखे प्यासे, अरब की गर्मी और सुबह से लेकर असर तक, यानी 3 बजे तक 2 बजे तक इमाम हुसैन 57 वर्ष भूखे प्यासे, मोहम्मद पैगम्बर के नाती अली अलैहिस्सलाम के बेटे, एक सुबह से लेके दोपहर तक लाशें पर लाशें उठा के लाते थे, कभी बेटे का, कभी भाई का, कभी भतीजे का, कभी दोस्त का, यानी 72 लाशें उठाए और आखिर में खड़े हुए, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन युगीसु मुगीसुना, है कोई जो मेरी नुसरत करे, मदद करे। और उस वक्त सब सन्नाटा था, उनके 6 महीने के बच्चे ने गहवारे से गिराया, बच्चा भी शहीद हुआ। इमाम हुसैन ने 7 महीने का मुर्दा अली असगर, यानी 3 दिन का भूखा पैसा, दूध नहीं, पानी मांगा तो जवाब में तीर मिला हुरमुला का, और इमाम हुसैन का बच्चा भी शहीद हो गया 6 महीने का। उसके बाद इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। उसी की याद में पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 30 करोड़ को क्या कहते, कोठी, 30 कोठी, यानी 30 कोठी शिया समुदाय जगह मदिया है, यानी तकरीबन 30 से 35 करोड़ पूरे जग में, ऑल वर्ल्ड शियापंथी शिया समुदाय इमाम हुसैन का मातम करते हैं। और हर देश में होता है, अनेक देश में, लेकिन हमें गर्व है हिंदुस्तान पर, हिंदुओं पर और हिंदू वासियों पर। और इससे बढ़कर गर्व की क्या मकाम है कि खुद इमाम हुसैन ने यजीद को बोले थे, या तो मुझे हिंदुस्तान जाने दे या फिर कहीं और जगह जाने दे, लेकिन उसने नहीं आने दिया, इसलिए ये मुहर्रम मनाया जाता है। या सवारीला मंडळाचे लोणारी जलतत्व मंडळाचे अध्यक्ष सोबिन खुरे, सर्व कार्यकर्त्यांच्या आणि रहिवाशांच्या वतीने या ठिकाणी पुष्पहार अर्पण करत आहेत। मौलानाही या ठिकाणी गणपतीचं दर्शन घेत आहेत आणि या गणपतीलाही आमचं स्वागत आहे की ह्या सर्वांचं दुःख हलकं कर आणि या गणपतीचं विघ्न यांचं सर्वांचं दूर कर। धन्यवाद। या ठिकाणी गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष स्वप्नल कोरोळ यांचा शिया मुस्लिम समाजाच्या वतीने सत्कार करण्यात येतो। मौलाना साहेब त्यांचा सत्कार करते। यानंतर लोणावळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणेश मूर्तीला आमचे अंजुमना मूर्तीचे अध्यक्ष मुरादप्पा सिंह हे पुष्पहार अर्पण करणार आहे। हुसैनियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज या मिरवणुकीत इमाम हुसैनच्या भक्तांसाठी, मातंगदारांसाठी लोणारळी गणेशोत्सव मंडळाने इथं पाणी वाटपाचा कार्यक्रम केलेला आहे। त्याबद्दल शिया मुस्लिम समाजाच्या वतीने, अंजुमने मुर्तजीच्या वतीने त्यांचे आजोबाबा म्हणतो, मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। आणि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांनी जे सहकार्य केले या मिरवणुकीसाठी, त्यांचाही शिया मुस्लिम समाजाच्या वतीने भाजप आभार मानतो, त्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो। जय सौ सौ। सगळ्यांचा सत्कार करता करता
Abdullah, come and